Parties, marginalization of separatists, anti-India alliance agenda. Bharatiya Janata Party. Zindabad! Azad Hindustan. Zindabad! Javed Qureshi sir, Silently, Morcham and District President Sahiban, Sir and Constituency President Sahiban, Sir and Yemi meeting him, Executive Member Yamcha, to his side event tarpa, Adav Tasnavi. Mechkath Kari, गोट थोड़ा समझुन क्या प्रण तह यन पे नव सिक टीम बन तन पे गोच मीटिंग डिस्ट्रिक वर्किंग कमेटी मीटिंग ये वन गोट सुनील जी वो गोट ग दिल्ली मज नेशनल लेवल पे अम पोत स्टेट लेवल आज सान डिस्ट्रिक्ट लेवल यह गोच मीटिंग नव टीम ये मीटिंग हूं तरीक क्या नेशनल पास तरीक मेल शर्मा कश्मीर का प्रभारी है और मैंने सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके जगह जगह पे कहा है सिर्फ मीटिंग में नहीं कमरे के अंदर नहीं मैंने मीडिया के सामने भी कहा है और मैंने बार बार कहा है बहुत सारे मीडिया पर्सन को मेरी बात आप रिकॉर्ड करके रखिए उस वक्त इस रिकॉर्ड को चलाना जब रिजल्ट आएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कमल के निशान पे इस बार कश्मीर में सीटें निकालेगी सीट नहीं सीटें निकालेगी और साथियों मैं बड़े वसूख से कहता हूं बड़ी मजबूती के साथ ये बात कहता हूं इतने बड़े अहम लोग बैठे हुए इस मीटिंग में हमने आम वर्कर नहीं बुलाया आम कार्यकर्ता नहीं बुलाया है बड़ा चुन चुन के हमने वर्करों को बुलाया हुआ है इसलिए ये बातें बड़ी मजबूती से कहता हूं यकीन रखिए कि खाता खोलने वाला भारतीय जनता पार्टी का अगर पहला जिला कोई होगा वो कुपवाड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी इसके लिए मुझे यहां की टीम पर जिसपे लगातार अनवर साहब का आना जाना होता है और आप सबके चमकते चेहरे ये केवल मैं जज्बाती बातें नहीं कह रहा हूं ये मैं दिल की बातें कह रहा हूं इन सब चेहरों पे मुझे पूरा यकीन है इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं आपके बिहाफ पे कहता हूं चाहे मीडिया में कहता हूं पार्टी में कहता हूं या लोगों में कहता हूं कि कुपवाड़ा पहला ऐसा जिला होगा जहां से भारतीय जनता पार्टी का और यहां की सरकार ने यहां के प्रशासन ने यहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही स्प्रेड कर दिया है कि कहीं पे भी किसी को छेड़ा नहीं जाएगा तो इस प्रकार का ये बवाल कौन बना रहा है इस प्रकार का बवाल वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है आज उनसे हिसाब लिया जा रहा है और उन्हें यह लग रहा है कि हम इस प्रकार का माहौल बनाएं और सरकार पीछे हटे अरे ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है तुम किस गलत फहमी में हो कतई भी गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा तुम सामने कितना भी लाओ लेकिन बख्शा आपको नहीं जाएगा यह हमें पूरा
गरीब की खिदमत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आगे है। आप मुझे बताइए, जिस गरीब को आज हॉस्पिटल जाने में कोई परवाह नहीं, आज से चार साल पहले अगर उसे कोई ऑपरेशन 10,000 का करना पड़ता तो घर में किसी जानवर को बेचना पड़ता था, भेड़ बकरी को बेच के उसे ऑपरेशन करना पड़ता था। आज जम्मू कश्मीर का एक एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, 5,00,000 का इंश्योरेंस पाके आज हॉस्पिटल में खुले दिल से जा सकता है, कोई भी इलाज करवा सकता है, कोई भी दवाई ले सकता है। अब ये लोग डराएंगे, ये घबराएंगे, ये लोग बताएंगे कि नहीं गरीब को सताया जा रहा है, गरीब को नहीं तुमको सताया जा रहा है। और उन पार्टियों का इस नक्शे से नामो निशान हट रहा है जिन्होंने इस कश्मीर को इस तबाही तक पहुंचाया था। आज वो परेशान है, कोई दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, कोई वहां घर में गुपकार में बैठ के एसी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, और कोई खुले आसमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है। कभी ये यासिन मलिक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, कभी पाकिस्तान के लिए देते हैं, कभी चाइना के लिए। आज जब घर पे इनको पीला पंजा पड़ा है, आज इनको दर्द हो रही है। एक पिक्चर हमारे सामने जावेद कुरैशी साहब ने रखी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रहा, सरकार जिनकी दिल्ली में हो, भाई जो सरकार चला रहे हो देखो, उसका कार्यकर्ता एक पटवारी, एक तहसीलदार, एक फीटर, एक जेई, एक वीडियो के सामने गिड़गिड़ा रहा, और कोई चोरी चकारी के लिए नहीं, अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए। इतनी बड़ी चुनौती, यहीं तक होता तो शायद हम इसका निपटारा कर लेते। साथियों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसे बड़े गौर से सुनिएगा, अगर यह लड़ाई सिर्फ वीडियो पटवारी या तहसीलदार तक होती तो शायद हमारा कार्यकर्ता निपट लेता, लेकिन आपकी लड़ाई पार बैठे उन सरगनाओं के साथ भी है जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पे फैलने नहीं देना चाहते हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन है और सीमा पार बैठे हुए हैं। इसलिए ये लड़ाई इतनी सख्त लड़ाई है, पार बैठे हुए उन सरगनाओं के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लड़ाई है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कार्यकर्ता की नहीं है, क्योंकि वो वही बोली बोलते हैं, वो वही पहनावा लगा करते हैं, वो वही भाषण बोलते हैं। उनके साथ अगर सीना चौड़ा करके भारत का झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी की जबान में कोई बात करता है, वो आप हो, इसलिए आप उनके दुश्मन हो। कितनी कठिन, कितनी सख्त लड़ाई है ये, इसे समझ पाना कोई आसान नहीं। कुपवाड़ा के दूर दराज गांव में, लंगेट लोराब में, जब भारतीय जनता पार्टी का मफलर पहने कार्यकर्ता निकलता है तो उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि जम्मू के बन तालाब में या जानीपुर में या कहीं कच्ची छावनी का वर्कर जिस प्रकार से निकलता है वैसे लोलाब में निकल सकता है। बहुत कठिन है, बहुत बड़ी लड़ाई है। एक नैरेटिव, एक डिस्कोर्स यहां पे खड़ा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी शुक्रगुजार है यहां की कार्यकर्ता की, जिसने इस नैरेटिव को तोड़ा और उन सभी चुनौतियों को स्वीकार करके हमारा कार्यकर्ता जिस प्रकार से विजय पथ, जिसे हम कहेंगे कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ा है, कितनी कुर्बानियां हमारे कार्यकर्ताओं ने दी, कितनी ही कुर्बानियां हमारे गरीब वर्करों ने दी। तो साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि इस बीच में, खाता खोलने के बीच में हमारी बहुत चुनौतियां, बहुत लड़ाई।